हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं उन्हीं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पे मैं एक नया एक्सरसाइज आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जिसका सॉल्यूशन आपको खुद करना है। बड़ा ही अच्छा सा एक्सरसाइज है और आपके मतलब लिस्ट के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। तो मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रत्येक मेथड कहाँ पे यूज़ करना होगा, नहीं, कैसे आप एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करते हैं, कैसे क्या करते हैं, सारी चीज़ें आपको कैसे फंक्शन में कैसे क्या करना, सब कुछ आपको डिटेल में यहाँ पे नॉलेज की जरूरत होगी, ठीक है। तो रिटर्निंग स्क्वायर ऑफ ए लिस्ट मतलब आपको ये करना है कि सबसे पहले मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या। सबसे पहले इन सारी चीज़ों को मैं डिलीट करता हूँ, और डिलीट करने के बाद मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको डिलीट किया, और डिलीट करने के बाद सिंपल आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये एक नंबर नाम का लिस्ट बनाना है, और जिसमें आपको क्या करना है कि रेंज मेथड का यूज करके, मतलब रेंज मेथड का यूज करें या कैसे भी करें, एक लाइन में आपको क्या करना है, 1 to 20 तक, 1 to 20 तक आपको इंटीजर वैल्यू रखना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा करके 1 to 20 तक रखना है, ठीक है। जीरो नहीं देखना है, पहली चीज। अच्छा, जीरो उसमें नहीं देखना, 1 to 20 तक ही रखना है लिस्ट में। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको फंक्शन में पास करना है। फंक्शन का नाम होगा स्क्वायर, स्क्वायर लिस्ट। और इसमें क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर करके, लिस्ट के एक एलिमेंट का स्क्वायर करके आपको रिटर्न करना है, रिटर्न द स्क्वायर्ड लिस्ट लिस्ट, और फिर इसको आपको प्रिंट कर लेना, ठीक है। तो मेरे पास क्या आना चाहिए, जैसे मैं 1 to 20 तक आया, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, ऐसे 16 25 36 7 का क्या होगा, 7 7 49, और इस तरह से 64, ऐसे ऐसे करके आपको पूरा का पूरा एलिमेंट जैसे 200 का 400 तक ऐसे आना चाहिए, ठीक है। 1 to 400 तक मेरे पास आउटपुट आना चाहिए। तो क्या करना है आपको, एक नंबर नाम का लिस्ट लेना है जिसमें 1 से 20 तक सारे एलिमेंट जो है एक लाइन में आपको रखना है। अच्छा, लिस्ट नहीं बनाना है आपको, जैसे ऐसे आपको लिस्ट में एलिमेंट नहीं इंटर कर देना, 1 2 3 4 ऐसे आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको रेंज मेथड का यूज करके करना है, 1 to 20 तक, जीरो नहीं आना चाहिए, पहली चीज। उसके बाद उस लिस्ट का स्क्वायर करना है, तो आपको क्या करना है, स्क्वायर लिस्ट नाम का एक फंक्शन बनाना है, और उसमें इस लिस्ट को पास करना है, और वहां पे इसका स्क्वायर, एक एक एलिमेंट का स्क्वायर करना, और उसको रिटर्न करके प्रिंट कराना है, ठीक है। आई होप कि आप कंप्लीट एक्सरसाइज समझ पाए। अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, और जिनसे ये एक्सरसाइज नहीं हो रहा है वो नेक्स्ट सॉल्यूशन वाला लेक्चर जरूर देख लें। अगर जो लोग बिगनर्स हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो अगर जो लोग बिगनर ना फिर भी कर पा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो लोग फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मतलब जो कुछ पढ़ के आया है पहले से, उनसे अगर नहीं हो रहा है तो बड़ी दुख की बात है यार, आपको ये एक्सरसाइज करना ही करना है। तो आई होप कि आप सभी लोग एक्सरसाइज कर पाएंगे, ट्राई तो जरूर करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्लीज़ यार सॉल्यूशन वाला लेक्चर देख कर समझिए, रटिएगा कभी मत, ठीक है। तो चलिए यार, अगले वीडियो में हम सॉल्यूशन देखते हैं। थैंक यू।